Okay. सभी भक्तजन कृपया अनम्यूट करके हम महाराज को स्वागत करेंगे। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करके सब जन अनम्यूट करो और एक ही साथ हम लोगों महाराज को स्वागत करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे महाराज हरे आपके चरण हरे में कृष्ण दंडवत प्रणाम। भक्तों के चरण में दंडवत प्रणाम। ओम नमो भगवते वसुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वसुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वसुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयत्। नस्तप्रये स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। We're reading Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 1, Questions by Vidura, Text Number 9. लोग श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं पर तीसरा स्कंद पहला अध्याय श्लोक 9। यदा च पार्थपरीता सभायां जगद्गुरुर्यानि जगद्गुरुर्यानि जगादु कृष्णा जगातु कृष्णा नतानि पुंसं अमृताय नतानि पुंसम् अमृतायनानि रजोरुमेने शतपुण्यलेशा। रजो रजोरुमेने शतपुण्यलेशा चपार्थप्रहाहित सभायां यदा चपार्थपरीता सभायां जगद्गुरोर्यानि जगत्कृष्णा जगद्गुरुर्यानि जगात कृष्णा नतानि पुंसम् अमृतायनानि अमृतायनानि रजोरुमेने शतपुण्यलेशा। रजोरुमेने तरपुण्यलेशा यदा च पार्थपरीता सभायां जदा च पार्थपरीता जगद्गुरुर्यानि जगादत् कृष्णा जगद्गुरुर्यानि जगात कृष्णः नतानि पुंसम् अमृतायनानि रजोरुमेने रजोरुमेने शतपुण्यलेशा। यदा ओके, व्हाट मीनिंग? यदा, व्हेन, च, च आल्सो मध्यम पार्थप्राहिता पार्थ बीइंग एडवाइस्ड बाय अर्जुना प्रहित सभायम अर्जुन इन द असेंबली सभारे जगद्गुरु जगत गुरु द टीचर ऑफ द वर्ल्ड जगत गुरु यानी जानी दोस से माने जगादा
जगा वेंट गले कृष्णा कृष्णा लॉर्ड कृष्णा भगवान श्री कृष्णा ना ना नेवर नाही तानी टानी सच वर्ड्स कथा फ्रॉम सम पुंसा of all men of senses, of all men of sense. भीष्मादि पुरुषंकर पुरुषमानकर Amrita ayane, अमृत अयनानि as good as nectar. अमृत तुल्य Raja, राजा the king, Dhritarashtra or Duryodhan. राजा धृतराष्ट्र वा दुर्योधन Uru, उरु very important. अति गुरुत्वपूर्ण मैंने मैंने did consider विचार करें शता शता dwindling क्षमता से पुण्य पुण्यलेशा लेसा fragment of pious acts. लेसा मात्र पुण्य Translation: Lord Krishna was sent by Arjuna into the assembly as the spiritual master of the whole world. And although his words were heard by some, like Bhishma, as pure nectar, it was not so for the others who were completely bereft of the last farthing of past pious works. The king, Dhritarashtra, or Duryodhan, did not take the words of Lord Krishna very seriously. अनुवाद जगद्गुरु रूपरे भगवान श्रीकृष्ण अर्जुनंक द्वारा गुरु सभा को प्रेरित हेले एवं जदियो तांकर कथा भीष्मादि व्यक्ति माने अमृत तुल्य श्रवण कले तथापि ताहा अन्यमानंक पक्षरे सेपरि नथिला कारण अन्यमानंकर लेश मात्र पुण्य बा सुकृति नथिला राजा धृतराष्ट्र बा दुर्योधन भगवान श्री कृष्णंकर अमृतमय वाणी को गंभीरता सहकारे ग्रहण कले नाही Purport by Srila Prabhupada. प्रभुपाद Lord Krishna, who is the spiritual master of the entire universe, accepted the duty of a messenger and, deputed by Arjuna, went to the assembly of King Dhritarashtra on a peace mission. Krishna is everyone's lord. Yet because he was the transcendental friend of Arjuna, he gladly accepted the role of messenger, exactly like an ordinary friend. That is the beauty of the Lord's behavior with his pure devotees. He reached the assembly and spoke about peace, and the message was relished by Bhishma and other great spoken by the Lord himself. But due to the exhaustion of the pious results of their past deeds, Duryodhan or his father Dhritarashtra did not take the message very seriously. That is the way of persons who have no credit of pious deeds. By past pious deeds, one may become the king of a country, but because the results of the pious acts of Duryodhan and company were dwindling, it became evident from their actions that they were sure to lose the kingdom to the Pandavas. The message of Godhead is always like nectar to the devotees, but is just the opposite to the non-devotees. Sugar candy is always sweet to a healthy man, but it tastes very bitter to persons suffering from jaundice. भावार्थ श्रील प्रभुपाद की जय जगद्गुरु भगवान श्रीकृष्ण दूतर काम कले अर्जुन द्वारा प्रेरित हो
से शांति बार्ता नहीं राजा धृतराष्ट्र कुलसभा को गले भगवान श्रीकृष्ण तो प्रत्येक प्रभु तथापि जेहेतु से अर्जुन दिव्य सखा बंधु थे तेणु से आनंद दूतर कर्म ग्रहण कले एक साधारण बंधु भाई अनुरोध रक्षा कले यह निजर शुद्ध भक्त मान सह भगवान व्यवहार माधुर्य चमत्कारिता से कुरुसभा पहुंचले एवं शांति वार्ता दिले एवं से वार्ता अमृतमय वाणी भीष्मादि नेतृवृंद द्वारा आस्वादित है कारण यह स्वयं भगवान ही प्रकाश कले किंतु दुर्योधन तार पिता धृतराष्ट्र पुण्य क्षय होता हेतु से मैंने सम्मान कले ना जो मानक पुण्य सुकृत न थाए से व्यवहार करती पुण्यकर्म फलस्वरूप व्यक्ति राजा हो पाए किंतु राजा दुर्योधन तार सहचर मानक पुण्यकर्म फल क्षय हो जा हेतु से सूचित होता जमने निश्चित भाव राज्य कराइबे एवं पांडवगण राज्य प्राप्त हेबे भगवान वार्ता भक्त मान पक्ष सर्वदा अमृत तुल्य किंतु यह अभक्त मान पक्ष ठीक अमृतर विपरीत पदार्थ अर्थात विष तुल्य एक सुस्थ लोक पक्ष मिश्री सर्वदा निष्ठ पदार्थ किंतु कमल रोगग्रस्त व्यक्ति मान को यह पीता लगे ओम ज्ञान तिमरंध्रस्य ज्ञान शलाकाया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः वंशकौपातरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां भवानेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास्तव गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे So we're hearing how Lord Krishna was obliged to become the servant to his dear devotee Arjuna. तो हम सुन रहे हैं कैसे भगवान श्री कृष्ण बन गए थे अर्जुन जो उनका प्रिय भक्त है उनके दास बनने के लिए Later on, we will see in the battle of Kurukshetra how Lord Krishna also becomes a charioteer for Arjuna. And Arjuna will tell Krishna, put my chariot in the midst of the battlefield. I want to see who's here fighting. फिर हम देखेंगे कैसे आगे कुरुक्षेत्र की रणभूमि में कृष्णा अर्जुन के साथी भी बन गए और अर्जुन कृष्ण को कहते हैं मुझे वहां युद्ध भूमि में लेके चलो मैं देखना चाहता हूँ कौन मेरे साथ लड़ रहा है So we see Lord Krishna is controlled by Arjuna's pure devotion. Arjuna was the devotee and the friend of Lord Krishna. So he was able to give these kind of instructions to Krishna. तो हम देखते हैं कैसे अर्जुन के प्रेम के द्वारा भगवान कृष्ण उससे बन जाते हैं और अर्जुन भगवान के शुद्ध भक्त हैं इसलिए भगवान को वो ऐसे आदेश दे सकते हैं In the same way, Mother Yashoda also, she could also order Krishna, she could tie up Krishna. She was because she's the divine mother, she's the mother of Krishna. Lord Krishna enjoys being under the control of his pure devotee. इसी प्रकार से माँ यशोदा भी कृष्ण को बांध लेती हैं हम देखते हैं और माँ यशोदा कृष्ण की शुद्ध भक्त हैं और कृष्ण को आनंद आता है भक्तों द्वारा नियंत्रित होने में It's not a burden for Lord Krishna to become the servant of his devotees. Rather, it's his transcendental pleasure. So, ये कृष्णा के लिए बोझ नहीं है कि वो अपने भक्त के दास बनते हैं. उनके लिए ये दिव्य आनंद है. Lord Krishna is Bhakta Vatsala.
He is controlled by the loving feelings of his devotees, like Mother Yashoda, Arjuna, and other devotees. Bhagwan Krishna Bhakt Vatsal hai. Jo unke bhakt hai, Ma Yashoda, Arjuna, inke dwara wo niyantran rehte hai. But he is never Jnana Vatsala or Karma Vatsala. He's not controlled by the Jnanis or the Karmis. He's only controlled by the devotee. परंतु वो ज्ञान वत्सल नहीं है ज्ञानी और कर्मियों द्वारा काबू में नहीं आते भक्तों द्वारा ही काबू में आते हैं So this is a unique feature of pure devotional service that they put the Lord comes under the control of his devotees तो ये अद्भुत बात है शुद्ध भक्ति की भगवान अपने भक्त द्वारा नियंत्रण में आते हैं And this is Why Lord Krishna rarely gives pure love to his devotees? Because he becomes obliged to them, he becomes controlled by them. So, isliye Krishna shuddha bhakti aasani se nahi dete hain. Wo bhakt dwara, kyunki shuddha bhakti dwara wo unke niyantran mein aa jate hain. In Bhakti Rasamrita Sindhu, Rupa Goswami describes how pure devotional service. One of the features of pure devotional service is it is rarely achieved. Shuddha Bhakti ka ek lakshan hai, bahut durlabh hai wo. And Srila Prabhupada comments that it's rarely achieved because the Lord becomes obligated to his pure devotees. Aur wo isliye mushkil hai pana kyunki Bhagwan apne shuddha bhakti ke karya karne ke liye ban jate hain. Lord Krishna is taking the job of a peon, a messenger to come and deliver the message to Dhritarashtra and Duryodhana, asking them or request, telling them the glory of peace. It will be good to make peace. Bhagwan Krishna ek dut ban jate hain, wo Duryodhana ke paas jate hain, ye updesh leke ke better hoga, wo ladai na kare aur shanti kare, shanti banaye. When Lord Krishna read the message and explained the message to them, then it was all like nectar to those who were devotees, like Grandfather Bhishma. They were very happy to hear this message, but not Duryodhana and not Dhritarashtra. Bhagwan ne ye jab aadesh diye, to jo bhakt hai jaise Bhishma Pitama, wo khush hue ye aadesh sunkar, parantu jo Duryodhana hai, Dhritarashtra hai, wo khush nahi hue. So this is the difference between the Lord's devotees and the non-devotees. In the Bhagavad Gita, Lord Krishna describes, what is the time of awakening for all beings is night for the introspective sage. Bhagavad Gita, Bhagavan Shri Krishna bolte hain, jo jagne ka vakt hai, औरों के लिए वो रात है जो साधु है उसके लिए the devotees the introspective sages those who are absorbed in devotion for the Lord they will see things just the opposite to the non-devotees who are only interested in material enjoyment तो जो भक्त है जो अंदर आनंद लेते हैं आत्मा में वो चीजें उल्टा देखते हैं जो भौतिक व्यक्ति हैं उनसे So the words of Lord Krishna were very pleasing to the devotees. They said, Grandfather Bhishma was there, he would be pleased, Vidura, he would be pleased. They liked to hear. So, Bhagwan ke jo shabd hai, wo anand dete hai bhakto ko. Jaise Bhishma Pitama, Arjun, ye jo Bhagwan ki vani hai, ye sunke anand mein aate hai. But those who are in the bodily conception of life, They don't like to hear. They have no interest to hear these things. They're only interested to hear about economic development and sense gratification. परंतु जो भौतिक जीवन भौतिक स्तर में हैं जीवन के, उनको ये सब सुनना पसंद नहीं आता. उनको केवल अच्छा लगता है इंद्रिय तृप्ति और भौतिक प्रगति की बातें सुनना. So Srila Prabhupada gives an example. He said, sugar cane is very sweet to a person who is healthy, but if somebody has jaundice, when they taste sugar cane, then it will taste very bitter.
जैसे गन्ना एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए मीठा होता है, शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं तात्पर्य में, तो गन्ना एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए मीठा होगा, लेकिन अगर कोई पीलिया बीमारी लग गई तो उसको गन्ना कड़वा लगेगा. Similarly, the chanting of the holy name of the Lord, then it gives great pleasure to those who are devotees, but it doesn't give any pleasure at all to those who are materialistic. उसी प्रकार से हरे कृष्णा का जप करना वो उनको आनंद देगा जो भक्त है, परंतु जो भौतिक व्यक्ति है ये उनको कोई आनंद नहीं देगा. But if they go, of course, even materialistic people, if they will go on chanting, then one day they will become healthy and they will appreciate the chanting of the holy name. और अगर भौतिक व्यक्ति भी हैं वो भगवान का नाम लेते रहेंगे जपते रहेंगे तो एक दिन वो भी स्वस्थ होंगे और वो भी इसकी सराहना करेंगे. And the same way with the message of Lord Krishna, the message which Lord Krishna spoke did not please Duryodhana and Dhritarashtra because they were only thinking about their own material gain. इसी प्रकार से जो भगवान जो आदेश देते हैं वो दुर्योधन और धृतराष्ट्र को उसने खुशी नहीं दी क्योंकि इस प्रकार के व्यक्ति अपने फायदे के बारे में ही सोचते हैं. But if they keep hearing, gradually, then one day, then that message will become like nectar to them. परंतु अगर वो सुनते रहेंगे भगवान का जो आदेश है एक दिन वो आदेश अमृत की तरह बन जाएगा. The mood of the devotee is very different to the non-devotee. Their thinking, their consciousness is just opposite. तो इसी प्रकार से जो भक्तों की जो मनोभावना है और जो अभक्त है उनकी जो मनोभावना है वो विपरीत है. So Lord Krishna had a difficult job to deliver that message to Duryodhana and Dhritarashtra. They didn't like to hear it. It didn't give them pleasure at all. भगवान को ये कठिन कार्य था ये आदेश दुर्योधन और धृतराष्ट्र को देने के लिए. उनको ये सुनना बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने उनकी बात सुनी भी नहीं. They simply wanted to, the battle should take place because they have their material ambitions, their material plans to enjoy this world. वो केवल चाहते थे कि युद्ध हो क्योंकि उनकी अपनी भौतिक योजनाएं थी ये भौतिक दुनिया को भोगने. So when people are in that mood, then it's very difficult. You can't enlighten them. तो अगर व्यक्ति इस मनोभावना में है आप उनको आत्म साक्षात्कार नहीं करा सकते. These people, their condition is just like the owl, just like the bird, the owl. It's a bird of the night. In the daytime, the eyes of the owl will be closed, but at night will open its eyes. तो इनकी स्थिति वो पक्षी है एक उल्लू, उल्लू की तरह है. तो उल्लू की आंखें रात में खुली होती हैं, परंतु दिन में उसकी आंखें बंद होती हैं. So if you say to the owl, did you see the sun today? Wasn't it so hot? It was so burning hot today. The owl will say, I never saw any sun because it never opened its eye. So if you ask the owl, did you see the sun today? The sun was so good today. It was warm. The owl will say, no, I didn't see the sun because it has never opened its eyes. So people who are in the bodily concept of life, even though they may hear the truth, it doesn't sound like the truth to them. They don't want to hear it. So, जो इस उल्लू की तरह जीवन में हैं, अगर वो सत्य सुनेंगे भी, तो भी उनको सत्य सुनना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उनको सत्य सुनना ही नहीं है. So, we know in the chanting of the holy name, the ninth offense is there, which is to instruct the faithless person about the glories of the holy name. भगवान के जप के अपराध में हम सुनते हैं नौवा अपराध है. अश्रद्धालु व्यक्ति को भगवान के नाम की महिमा बताना. So we don't instruct faithless people about the power of the chanting of the holy name, but we do try to instruct them to understand they're not the body and to understand they have to control their mind. तो जो अश्रद्धालु व्यक्ति होता है हम उसको भगवान के नाम की महिमा में के विचार में नहीं बताते हैं, पर हम उनको ये बोलने की कोशिश करते हैं
कि वो ये शरीर नहीं है और उनको मन को काबू में करना है. We have to understand this, how we have to understand how to help these people, how to create faith in them. हमको समझना है इन लोगों की मदद कैसे करनी है, इनमें श्रद्धा कैसे जागृत करनी है. And to try to create faith in people, we do chant the holy name, and even faithless people can take part in the kirtan. और लोगों में श्रद्धा जगाने के लिए हम भगवान के नाम उनसे बुलवाते हैं, और अश्रद्धालु व्यक्ति भी कीर्तन में भाग रख सकते हैं. Right. And if they come in the kirtan, take part in the kirtan, they'll be benefited, they'll be purified. अगर वो कीर्तन में आएंगे, भाग लेंगे, तो उनको लाभ होगा, उनका भी शुद्धि होगा. In the same way, the faithless people in the bodily concept of life, they can be given prasadam. And prasadam can also help to purify them. उसी प्रकार से अश्रद्धालु व्यक्ति हैं जो शारीरिक स्तर में हैं जीवन के, उनको हम प्रसाद दे सकते हैं और प्रसाद से भी उनका शुद्धिकरण हो सकता है. And we can also explain basic philosophical points to them. Like you're not the body, we can explain to them that you're a soul, you're a spirit soul in a material body, and we have to control our mind and senses. So we can explain this basic knowledge to them. और उसके साथ साथ हम उनको जो मूल ज्ञान है वो भी समझा सकते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है और हमको इंद्रियों को नियंत्रण में रखना है, तो इस प्रकार का ज्ञान भी उन्हें समझा सकते हैं. In this way, we can benefit people who are like Dhritarashtra, Duryodhan. We try to help them to come out of their ignorant condition of life. In the Bhagavad Gita, Lord Krishna describes four kinds of people who are in all impious, who will never surrender to Krishna. Bhagavad Gita में भगवान चार व्यक्ति बताते हैं जो कभी उनको शरणागत नहीं करेंगे. First of all, he mentions that there are people who are like muthas, like donkeys. They just want to work all the time to make money. They never think about any other purpose in life. तो पहले लोग भगवान बताते हैं वो मूढ़ा की तरह है, उन्हें खाली पूरा दिन पैसे के बारे में सोचना है और जीवन का लक्ष्य क्या है वो नहीं सोचना है. They're all these four kinds of people are all described as duskritinas, impious people. इन सारों लोगों को बताया गया है दुष्कृतिमान है. Right. So first one is the mudha. People, the donkey, they're compared to donkeys because the donkey will carry heavy load on its back every day just to eat grass, which grows everywhere. So, इनको गधे की तरह बताया गया है क्योंकि गधा पूरा दिन अपने पीठ पर बोझ उठाएगा ताकि थोड़ा सा घास खा सके. And then Naradama is the second kind of person. Naradama people, they're considered the lowest of men because they have the qualification. They may be born in a good family, Brahminical family. They may be born in a nice family with good education, and they have the opportunity to become God conscious, but they don't take it. दूसरे हैं नराधमा. ये अच्छे परिवार में जन्म लिए हैं, इनको अवसर मिला है भगवान की चेतना ग्रहण करने के लिए, कृष्ण भावना भावित होने के लिए, लेकिन ये उसका फायदा नहीं उठाएंगे. And then the third kind of person is Maya Aparita Jnana. They're speculators. They want to understand the Shastra by their own efforts. They don't hear from the Acharyas. और तीसरे हैं Maya Aparita Jnana. इनको शास्त्र के ऊपर से अपने मन के अनुसार कुछ भी सोच विचार करना है, दूसरों से सीखना नहीं. They will say, I think this, I think like that, They'll give that all from their own speculations, not from any authoritative position. वो बोलेंगे मैं ये सोचता हूँ, मेरे हिसाब से ऐसा है. अपनी काल्पनिक सोच बताएंगे, लेकिन ये शास्त्र से प्रामाणिक स्रोत से नहीं सुनेंगे. And then the fourth kind of person who never surrenders to Krishna is the asura, one who is atheistic and who blasphemes the Lord and
he would just simply condemn and criticize the devotees. और चौथा व्यक्ति जो भगवान का शरण नहीं लेगा वो असुर है, असुरी भाव का है, वो केवल भगवान के प्रति अपराध करेगा और भगवान के भक्तों के प्रति भी अपराध करेगा, उनकी निंदा करेगा। So in this way, Lord Krishna describes these four kinds of people. They're all duskritina. They're not pious people. They'll never surrender to Krishna. और इस प्रकार कृष्णा इन चार लोगों के बारे में वर्णन करते हैं। ये चार प्रकार के लोग ये कभी भी ये अशुभ हैं, ये कभी भी भगवान का शरण नहीं लेंगे। Now Dhritarashtra and Duryodhan, they must have had some punya because they were able to take birth in a royal family and to have the association with Lord Krishna, but they were not able to take advantage. अभी धृतराष्ट्र और दुर्योधन इनका कुछ पुण्य होगा इसीलिए इनको भगवान कृष्ण का संग मिला, ऐसे परिवार में इन्होंने जन्म लिया एक शुभ परिवार में, लेकिन वो फिर भी उसका लाभ नहीं उठा पाए। They were not able to take advantage. They had used up all their pious activity and they didn't do any more punya. They didn't do any more pious activity. वो अपने पहले पूरे के पुण्य कर्म का फल खलास कर चुके थे और उन्होंने और कोई पुण्य कार्य नहीं किया था। तो भागवत गीता लॉर्ड कृष्ण सेज येषां त्वन्तगतं पापं जाननं पुण्यकर्मणः. That people who have acted piously in previous lives and in this life can engage themselves in my service with determination. So, Bhagavan Sri Krishna कहते हैं कि भगवत गीता में ये शाम को अंतर्गतम पापम जनानं पुण्य कर्मणां, और कि जो लोगों ने पुण्य कार्य किए हैं और पाप से मुक्त हैं वो मेरी भक्ति में लगे रह सकते हैं. So we may wonder, how is it, you know, we become devotees? Is it because of our pious activities? So हम सोच सकते हैं कि हम कैसे भक्त बनते हैं? क्या ये हमारे शुभ कर्मों के वजह से है? So you should understand what kind of pious activities you have to do to become a devotee. तो आपको समझना होगा किस प्रकार का पुण्य कार्य करना है भक्त बनने के लिए. There's different kinds of pious activities. तो विभिन्न प्रकार के शुभ कार्य हैं। Some people are engaged in doing pious activity. They simply want to enjoy the benefit of their pious activity. तो कोई लोग शुभ कार्य करते रहते हैं, उनको सिर्फ अपने शुभ कार्यों के परिणाम का भोग करना है। Some people may like the fact that, oh, I'm doing charity. I want everyone to know how charitable I am. Recording in progress. कोई लोग पुण्य काम करते हैं, उन्हें जानना है वो मैं कितना पुण्यवान व्यक्ति हूँ, मैं पुण्य कर रहा हूँ, दान दे रहा हूँ। There are pious activities which may qualify you for impersonal liberation. पुण्य के काम है जिससे आप योग्य बनेंगे निराकार मुक्ति के लिए। And there are pious activities which can qualify you for devotion. और फिर ऐसे पुण्य के कार्य हैं जो आपको भक्ति के लिए योग्य करेंगे। How do we get these pious activities for devotion? We have to serve the devotees. ये पुण्य कार्य भक्ति के लिए हमको कैसे मिल सकते हैं? हमें भक्तों की सेवा करनी है। The Shastra say by serving the devotees, then it opens the doors to liberation. शास्त्र बोलता है भक्तों की सेवा करके मुक्ति का द्वार खुलता है। We have to come into the association of devotees, and in the association of devotees, we want to also serve, take up service. हमें भक्तों के संग में आना है और भक्तों के संग में आने के बाद हमें कोई सेवा करनी है उनकी. So a devotee asks Prabhupada, he said, Prabhupada, did I become a devotee because of my pious activities? तो एक भक्त ने श्री प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद जी क्या मैं भक्त बना अपने पुण्य कार्य के लिए? And Prabhupada laughed. He said, I am creating your pious activities. So Prabhupada ji hase aur kaha, main aapke punya bana raha hun. So we get, how was Prabhupada creating our pious activities? By engaging us in Krishna consciousness. Prabhupada ji kaise hamare punya bana rahe the? Humko Krishna bhavna bhavit karya mein lagakar.
So Dhritarashtra, Duryodhan, they didn't want to do any devotional activities. So so therefore, they had no taste for hearing Krishna. इसलिए उनके पास कोई रुचि नहीं थी कृष्ण के बारे में सुनने के लिए. Even Lord Krishna is there, is the supreme personality of Godhead, and he's speaking to them, but they don't want to hear. They have no interest. हालांकि कृष्णा भगवान हैं और उनसे बात कर रहे हैं, उनको कृष्णा से सुनना नहीं है, कोई रुचि नहीं. So this is the result. This is the result when a person doesn't want to engage in pious activities. This is what happens. They have no qualification, no interest, because their only interest is the body and their own material comfort. They're so in the bodily concept of life. उनके इंद्रिय तृप्ति में, उनकी संतुष्टि में, क्योंकि वो इतने लगे हुए हैं शारीरिक स्तर पे भोग करने के लिए. प्रहलाद महाराज told his father the same thing. प्रहलाद महाराज ने यही बात अपने पिता से कही. Right, he told his father, he said, one who is in the bodily concept of life was just attached to their own comfort and luxury of the body, want to live in luxury and make the body comfortable. They're like a person who's fallen into a well. प्रहलाद महाराज ने अपने पिता से कहा, जो व्यक्ति केवल अपने शरीर और शारीरिक स्थिति को और अच्छा बनाए रखने चाहता है, वो एक व्यक्ति की तरह है जो कुएं में गिरा हुआ है. They're in a helpless condition. They cannot get out. वो एक असहाय स्थिति में है, वो बाहर नहीं निकल सकते. And often in our material life, we feel like that. We feel we're helpless, that we can't move. और बहुत बार हमारे भौतिक जीवन में हम ऐसा अनुभव करते हैं, हमें असहाय लगता है कि हम हिल नहीं पा रहे हैं. So how to help ourselves? Prahlad Maharaj said, one who's in that condition, he should go to the forest. तो कैसे हम अपनी सहायता करें? प्रहलाद महाराज ने कहा, जो इस स्थिति में है उसको वन जाना चाहिए. Forest means you go to a place like Vrindavan. Vrindavan has been 12 forests in Braja. तो वन में जाओ मतलब वृंदावन में जाओ. वृंदावन में 12 वन है. Go and live in the holy land where the people are Krishna conscious, where you can simply hear about Krishna, Krishna's pastimes. पवित्र धाम में जाके रहिए जहाँ लोग कृष्ण भावना भावित है, जहाँ आप सुन सकते हैं कृष्णा और उनके लीलाओं के बारे में. Don't waste a life just trying to be comfortable in the material body. अपना जीवन बर्बाद मत कीजिए केवल शारीरिक स्तर पे रहने के लिए और शरीर को अच्छा बनाए रखने के लिए. Make use of this human life to become Krishna conscious. इस मनुष्य जीवन का उपयोग कीजिए कृष्ण भावना भावित होने के लिए. It's very rare to get the human body. बहुत दुर्लभ है मनुष्य शरीर मिलना. I'm very even more fortunate to get association with devotees. और हम और भाग्यशाली हैं, भक्तों का संग मिला है. And in the association of devotees, we can cross over the ocean of birth and death. और भक्तों के संग में हम इस जन्म मृत्यु के भव सागर को पार कर सकते हैं. So we should take advantage. तो हमको फायदा उठाना चाहिए. Okay, any question? ठीक है, किसी को कोई प्रश्न है आप आपका हाथ उठाइए और आप पूछ सकते हैं. अभी आपको अनुमति मिल गई है, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं. किसी को भी कोई प्रश्न है तो आप कृपया अनम्यूट करके पूछ सकते हैं. हरे कृष्ण. इधर बैठे भक्तों को कोई प्रश्न है आप भी पूछ सकते हैं. यस माता जी. महाराज क्वेश्चन इज व्हेन वी टेक अप टू डिवोशन न्यूली we get a lot of difficulties
most of the time from our family. That why you're chanting so much, why you're doing so much, and this creates obstacles. So what should we do in this time? Well, you have to be careful when you chant, you know. So aapko saavdhan rehna hai jab aap jap kar rahe ho. All right, you don't want to, you know, deviate. You don't want to give up the service of your family to chant. You have to take care of your family. You have to do your duties. But at the same time, you have to also try to chant. So, आपको आपके परिवार की जो आप कर्तव्य निभा रहे हो उसको नहीं छोड़ना है जप करने के लिए लेकिन साथ साथ आपको कर्तव्य भी करना है और जप भी करना है. You know, the family comes home, you know, you have to take care of them, you have to look after them, make them feel wanted. If your family comes home, you say, don't bother me, I'm chanting, then they won't like it. So, जब आपका परिवार घर आता है, आपको उनका ख्याल करना है, उनका देखरेख करना है. अगर आप ऐसा कहोगे, आपके परिवार वाले घर आए और आप कहोगे, ओ आप तो अभी मेरे से बात नहीं करो, मैं जप कर रही हूँ, तो उनको वो बात पसंद नहीं आएगी. We have to, you have to chant when they're not around, when they go out to work or when they go to school. आपको जप करना है जब वो आपके घर पे नहीं है, जब वो काम में गए हैं या बच्चे जब स्कूल गए हैं तब जप करना है. Just like you have children, the children will want your attention. They will want to know you're caring for them. But if you just chant all the time, don't take care of the children, then it won't be very good. जैसे आपके बच्चे हैं, वो देखना चाहेंगे आप उनकी कितनी परवाह करते हो. लेकिन अगर आप पूरा दिन खाली जप ही करोगे और उनके ख्याल नहीं करोगे तो वो बहुत अच्छा नहीं होगा. So you chant when the children are not here, not around, when they go out to school or when they're sleeping. तो आप जप कीजिए जब बच्चे नहीं हैं, स्कूल गए हैं या सो रहे हैं. You should be a better mother and a better wife by becoming a devotee. आप एक बेहतर माँ और बेहतर बीवी बनने चाहिए भक्त बनने के बाद. You should give better care and love and attention to your family by being a devotee than before. आपको और ज्यादा ध्यान और ज्यादा प्रेम अपने परिवार को देना चाहिए भक्त बनने के बाद जितना पहले देते थे उससे ज्यादा. Because you have to see Krishna in everyone. You have to see Krishna in your family also. क्योंकि आपको सब में कृष्णा देखना है, आपके परिवार में भी कृष्णा को देखना है. कृष्णा इज इन द हार्ट ऑफ एवरीवन. कृष्णा सबके हृदय में है. सो स्पेशली इज इन योर फैमिली मेंबर. विशेष करके आपके परिवार के वालों के हृदय में भी है. सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ देम नाइस. तो आपको उनका अच्छे से देख रेख करना है. यू अंडरस्टैंड? आप समझ रहे हैं? किसी का कोई प्रश्न है? ऑनलाइन हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम. दंडवत प्रणाम प्रभु. हम अंतर जमदास चौधरी. मैंने चाहते हुए भी मैंने जानता हूँ कि मतलब ये नरक है, ये बंधन है, ये जेल है, फिर भी मतलब जैसे महाराज बोल रहे थे हम लोग मतलब अपने को सजा रहे हैं, अपने को शरीर को ठीक से देख रहे हैं भोग करने के लिए, लेकिन इससे निवृत्ति पा नहीं रहे क्योंकि इसमें शरीर तत्व में ज्यादा डूबे हुए हैं. तो इससे कैसे और निकल सकते हैं, मतलब आत्मा से ज्यादा जुड़े रहेंगे क्योंकि हम लोग शरीर तत्व से ज्यादा डूबे हुए हैं, इसलिए इससे निकल नहीं पा रहे हैं. और क्या क्या करने से इससे निकल पाएंगे? He's saying that you said in the lecture many times we are the soul and we are wasting time only beyond the body, behind the body. I do understand this. I know this material world is a jail. I know I'm not the body. I know I should pay more attention on the soul, but despite knowing all this, yet I'm not able to do it. What should I do so that I can do it also? Well, you have to get association with devotees. You have to learn from them how to do it. आपको भक्तों का संग करना पड़ेगा, उनसे सीखना पड़ेगा ये आत्मा के स्तर पे कैसे रहना है. Actually, you don't have to change your activities.
What you do have to change is your consciousness. वास्तव में आपको आपके कार्यों को नहीं बदलना है, जो आपको बदलना है वो है आपकी चेतना. If you say you've heard, you know you're not the body, but how do you apply it in your life? You apply it in your attitude, that you just simply understand that instead of doing it for your own body, you're doing it for Krishna. All that you do, all that you eat, everything, you do it as an offering to Krishna. तो आप बोल रहे हो, आप जानते हो आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, तो लेकिन आप आत्मा के स्तर पे कैसे रहोगे? आप ये शिक्षा को अपने जीवन में उतारिए. आप जो कुछ भी काम कर रहे हैं अपने आप के लिए करने के बजाय आप उसको कृष्ण के लिए कीजिए. You don't have to change anything in the terms of your way of working and living, but you do have to change the attitude, the consciousness. अब जैसे जी रहे हो, जो कुछ कर रहे हो, उसमें आपको ज्यादा बदलाव नहीं लाना है. जो चीज आपको बदलनी है वो है आपकी चेतना. When you start working for Krishna, then the work becomes even more enjoyable. जब आप कृष्ण के लिए काम करने लगोगे, वही कार्य अधिक आनंदमय होगा. Being a mother and taking care of your children and cooking and cleaning the house and doing all of these things, you do it for Krishna. It becomes a pleasure. So, अपने बच्चों का ख्याल रखना, अपने घर को साफ करना, खाना पकाना, ये और चीज अधिक आनंद में होंगी जब आप इसको कृष्ण के लिए करोगे. But if you're just doing it thinking I'm the body, thinking oh it's for me, I'm doing, then certainly it's not so satisfying. अगर आप सोचोगे वो मैं ये शरीर हूँ, मैं अपने लिए कर रहा हूँ, तो आपको संतुष्टि नहीं होगी. So the important thing is the attitude or the consciousness. तो महत्वपूर्ण बात है आपकी मनोवृत्ति क्या है और आपकी चेतना क्या है. We want to have consciousness of Krishna. हमको चेतना होनी है कृष्ण की. Do you understand? समझे प्रभु जी? Yes, Prabhu. So how to get that consciousness of how to become Krishna conscious, you have to chant this name. You have to hear about Krishna. Yes. The more you hear about him, the more you become conscious. कैसे कृष्ण भावना भावित हो गए, उनका नाम लेना है कृष्ण का, उनके बारे में सुनना है. जितना अधिक उनके बारे में सुनोगे उतना अधिक कृष्ण भावना भावित होगे. First you have to become conscious. Often people are not even conscious. They're just in a daze. They're just in a, just completely dumb. But first we have to become conscious, become aware of ourselves. And then you have to become Krishna conscious. So पहले हमें हमारी चेतना से जागृत होना है. अधिकतर लोग तो जागृत भी नहीं होते हैं. वो तो बिल्कुल बुद्धू की तरह सोए हुए रहते हैं. तो हमको पहले जागृत होना है और फिर कृष्ण भावना में जागृत होना है. The chat has question. How can we become free from our past sinful actions after engaging in devotional service? Well, just by engaging in devotional service, that is the best way to overcome all your past sinful activities. So, यहाँ पर प्रश्न है प्रदीप दलाई प्रभु से कि कैसे अपने पाप कर्मों से मुक्त होंगे भक्ति करते समय. तो महाराज बता रहे हैं आपको भक्ति के कार्य लगे रहना में लगे रहना है, यही उत्तम तरीका है पाप के कर्मों से मुक्त होने का. When people do sinful activities, they may try to do some atonement to make up for the sin. जब लोग पाप करते हैं वो कोई प्रायश्चित करते हैं पाप के परिणाम से मुक्त होने के लिए. But that atonement won't take away the desire for sinful activities. The desire for sin will still remain, and again, sinful activities will be done. परंतु वो प्रायश्चित पाप करने की इच्छा नहीं छोड़ देता है. प्रायश्चित करेंगे फिर पाप करने की इच्छा रहती है, तो इच्छा रहेगी तो दोबारा पाप काम में लग जाएंगे. Just like somebody may be a thief. And he may steal and he may go to jail. But he comes out of jail, he steals again, goes back to jail, doesn't stop stealing. जैसे कोई चोर हो सकता है, वो चोरी करता है,
गिरफ्तार होता है, जेल जाता है, लेकिन फिर जेल से बाहर आने के बाद फिर चोरी करते रहता है। So, the same way people may do atonement, they may undergo some austerity, or they may go to a holy place and give some charity, and they may bathe in the holy rivers, but they continue to do sinful activities. इसी प्रकार से लोग प्रायश्चित करते हैं, वो कोई अपने पाप करने के उसे बचने के लिए कोई पवित्र नदियों में जाते हैं, कोई आध्यात्मिक कार्य करते हैं और वहां पर स्नान करके आते हैं, लेकिन फिर हम देखते हैं कि ये सब प्रायश्चित करने के बाद भी वो पाप के कामों में लगे रहते हैं। But if they will engage in devotional service, if they will do some devotional service with the mood of simply trying to please Krishna, then that will nullify even the desire for sin. परंतु अगर वो कुछ भक्ति करेंगे ये मनोवृत्ति से कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, तो जो उनके पाप कर्म हुए हैं उनसे भी मुक्त होंगे और उनकी इच्छा भी साथ में चली जाएगी। It can destroy the react all the sinful reactions which are there, which are waiting for us for our past sins. They can all be removed by devotional service. हमारे पहले के पाप कर्मों के परिणाम जो रुके हुए हैं हमें दुख देने के लिए, वो भक्ति से पूरे उनका नाश हो सकता है। Just like a blazing fire burns to ashes all the firewood, so the fire of devotional service and transcendental knowledge burns up all the reactions of our past sins. जैसे जलती हुई अग्नि लकड़े को पूरी तरह जला देती है, उसी तरह भक्ति की जो अग्नि है हमारे पहले किए गए पाप कर्मों को जला देती है। ओके। और वन मोर क्वेश्चन इज दिस, बिफोर दैट देयर वाज रेज्ड हैंड बाय वन डिवोटी, सुशांत दलाई प्रभु, यू कैन अनम्यूट एंड आस्क। हरे कृष्ण महाराज, आपके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज मेरा एक प्रश्न है, जैसे हम लोग चाहते हैं भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान का श्री चरणों में जाने के लिए, भगवान का श्री चरणों पाने के लिए हम लोग को शुद्ध नाम जप करना पड़ता है, लेकिन हम लोग जब माला करने बैठते हैं तब दुनिया भर का माया हम लोग को मन में आ जाता है उसी टाइम, तो हम लोग शुद्ध नाम कैसे जप कैसे करें, चैंटिंग कैसे शुद्ध हो सकता है हम लोग का? All thoughts of Maya are coming in the mind due to which we are not able to chant purely. So then how will we get Krishna and how to chant purely? Well, you have to chant more. It's not that just immediately once done chanting that all the thoughts will go away from your mind. You have to chant with concentration. You have to hear the holy name. If you listen to your mind, then all the thoughts will come. So don't listen to your mind, listen to the holy name. तो आपको अधिक जप करना है और ऐसा मत सोचिए कि आपने अभी कुछ जप किया तो आपके मन से पूरे ख्याल निकल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको अधिक जप करना है और ध्यान से जप करना है, अपने मन को सुनने के बजाय भगवान का नाम सुनना है। अगर मन को सुनते रहोगे जप करते समय तो और विचार देते रहेगा मन। Yeah, you have to chant with concentration. With Prabhupada said, we use the tongue to chant and the ear to hear. It's not a question of the mind. So, हमको ध्यान से जप करना है। प्रभुपाद ने कहा, हम जीवा का उपयोग करते हैं जपने के लिए, कान का उपयोग करते हैं सुनने के लिए। यहाँ मन का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। So, don't just sit and hear your mind. You have to hear the holy name. तो केवल बैठ के मन को मत सुनिए, भगवान के नाम को सुनिए। It's up to us. We want to chant properly. You have to hear. You have to listen to the mantra, the sound of the mantra. Don't just listen to so many thoughts which come in your mind. तो ये हमारे ऊपर है। अगर हमको अच्छे से जप करना है, हमें मंत्र के ध्वनि को सुनना है। केवल बैठ के मन के विचारों को मत सुनिए। Okay. ठीक है प्रभु। जी प्रभु, हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। Wherever the mind dwells, when it wanders away, you have to bring it back. You have to train the mind to be chaste, to hear the holy name.
जहां भी मन जाता है, भटकता है, उसको वापस लेना ले आना है। आपको मन को इस प्रकार बनाना है कि वो ईमानदार बन जाए भगवान का नाम सुनने के लिए। Mind is like a wild animal. You have to train it to be chased. मन एक जंगली जानवर की तरह है, आपको उसको शिक्षण देना होगा कि वो आपकी बात सुनने के लिए ईमानदार बने। So japa is not to sit and listen to your mind. Japa is to listen to the holy name. तो जपा इसलिए नहीं है कि आप बैठ के आपका मन को सुनो, जपा इसलिए है कि आप भगवान के नाम को सुनो। ओके, द क्वेश्चन इन द चैट, हाउ डज द लॉर्ड शो टावर हिज मर्सी ऑन द डिवोटी एंड ऑन द नॉन डिवोटी। भगवान कैसे अपनी कृपा भक्तों को और अभक्तों को देते हैं? Well, the Lord's mercy may come in different ways. One way in which the Lord's mercy comes is when He sends the association of devotees. भगवान की कृपा विभिन्न तरीकों से आती है। एक तरीका है भगवान आपके पास अपने भक्तों को भेजते हैं। In the association of devotees, then you get the seed of devotion, and they'll help you to advance in devotional service. भक्तों के संग से आपके हृदय में भक्ति का बीज उगाया जाएगा, जिसको आपको भक्ति में बढ़ने के लिए सहायता करेगा। Another way in which the Lord gives mercy is when He takes everything away from us. He takes every all of our attachments away from us, and in our helpless condition, then we surrender to Him. और एक और तरीका है भगवान की कृपा देने का, वो हमसे हमारी सारी आसक्तियां छीन लेते हैं, और फिर जब हमारे पास कुछ नहीं बचता, तो हम उन पर शरण ले लेते हैं। And so these are examples of the Lord's mercy. तो ये है कुछ उदाहरण भगवान की कृपा के। The Lord's mercy may come in the form of a book. You may get a Bhagavad Gita, Lord Krishna's teaching in the Bhagavad Gita. So that is also mercy. तो भगवान की कृपा आ सकती है पुस्तक के तरीके से, आपके साथ भगवद गीता प्राप्त हो, ये भी कृपा है। Okay. एक और वन क्वेश्चन इन द चैट, हरे कृष्णा महाराज, व्हाट इज अवर फाइनल डेस्टिनेशन, स्वर्ग और वैकुंठ, हाउ कैन वी अचीव दैट? वेल, इफ यू गो टू स्वर्ग, यू वांट स्टे देयर, यू जस्ट गो टू स्वर्ग बाय पायस एक्टिविटीज, मटेरियल पायस एक्टिविटीज कैन टेक यू टू स्वर्ग एंड यू कैन स्टे देयर फॉर सम टाइम, बट The heavenly planets are not eternal. The heavenly planets are also temporary. They're destroyed in course of time. तो महाराज जी बता रहे हैं, अगर आप स्वर्ग भी जाओगे तो हमेशा वहां रह नहीं सकोगे। आप कुछ पुण्य करके स्वर्ग पहुंच सकते हो, लेकिन जो स्वर्ग लोक है वो भी अस्थाई है, वो भी कुछ समय में उनका भी नाश हो जाएगा। In the Bhagavad Gita, Lord Krishna said, from the highest planet, planet of Brahma down to the lowest, all are places of misery where birth and death take place. भगवत गीता में कृष्ण ने कहा, ब्रह्म लोक से लेके ऊपर से लेके नीचे तक इस ब्रह्मांड में सारे लोक। But one who comes to Maya body will never come back. वो पीड़ा के स्थान है सारे लोक, परंतु जो कोई मेरे लोक में आता है वो वापस यहाँ नहीं आएगा। So we want to go beyond, we want to get out from the material world. Material world is birth and death. And the heavenly planets are in the material world. तो हमको भौतिक दुनिया से बाहर निकलना है। भौतिक जगत में जन्म और मृत्यु है, और जो स्वर्ग लोक है वो भी इस भौतिक जगत का ही एक हिस्सा है। Okay. One more question is there, Maharaj. As we know, Maya is very powerful, and she always attacks on me. As I am her daily customer, so please tell me, Maharaj, how can I get free from Maya? तो यहाँ प्रश्न है कि जैसे हम जानते हैं कि माया बहुत शक्तिशाली है और माया हम पे आक्रमण करती है और मुझ पे हर रोज आक्रमण करती है क्योंकि मैं उसका हर रोज का ग्राहक हूँ, तो मुझे बताइए कि माया से कैसे बचूं? So you get free of Maya by taking shelter of Lord Krishna. Maya is Krishna's energies under the control of Krishna. तो आप माया से मुक्त हो सकते हो कृष्णा का आश्रय लेके। माया कृष्ण की ही शक्ति है।
So you want to get free of Maya? Simply go to Krishna, surrender to Krishna, and Krishna will immediately free you from the Maya. आपको माया से बचना है कृष्ण के पास जाइए उनका शरण लीजिए और कृष्ण तुरंत आपको माया से छुड़ाएंगे देवी एष गुणमयी मम माया दुरात्यय इन द भगवद गीता लॉर्ड कृष्ण डिस्क्राइब्स द मटेरियल एनर्जी माया इज वेरी डिफिकल्ट टू ओवरकम बट इफ यू सरेंडर टू कृष्ण दे कैन इजीली क्रॉस बियॉन्ड इट तो भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि ये जो मेरी माया है ये बहुत कठिन है इसको पार कर पाना लेकिन जो मुझे शरण लेता है मेरा शरण लेता है वो आसानी से इसको पार कर पाता है so, you want to get free of Maya? Just simply take shelter of Krishna. आपको माया से मुक्त होना है साधारण पासे आप सीधे कृष्ण का शरण लीजिए माया इज कृष्णस एनर्जी एंड इज अंडर हिज कंट्रोल माया कृष्ण की शक्ति है और कृष्ण के नियंत्रण में है जस्ट लाइक अ मैन मे हैव अ डॉग एंड द डॉग मे अटैक यू मे बाइट यू वोंट लेट यू गो बट इफ द ओनर ऑफ द डॉग कम्स ही कैन इमीडिएटली कंट्रोल द डॉग जैसे आपके पास एक कुत्ता हो किसी व्यक्ति के पास एक कुत्ता हो सकता है तो वो कुत्ता आपके पास आएगा आपके ऊपर कूद पड़ेगा आपको काटने लगेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते लेकिन जैसे ही उसका मालिक उसे रोक देगा तो कुत्ता आपको छोड़ देगा तो फिर टेक शेल्टर ऑफ लॉर्ड कृष्णा यू कैन बी फ्रीड ऑफ माय तो जैसे ही हम कृष्णा का शरण लेंगे हम माया से बच सकते हैं तो धन्यवाद सभी का आने के लिए ओके कृष्ण प्रभु क्लास हो गया आप कुछ बोलना है ना ओडिया में हरे कृष्णा ऑनलाइन में ऑनलाइन रे जो भक्त मान अछंती समस्ते बुझी पारले तो महाराज कोन कहले हरे कृष्णा प्रभु जी दनात प्रणाम बुझी हला प्रभु जी हिंदी रे डबिंग हला बुझी हला क्लियर समस्ते बुझी पारले आज्ञा प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम बहुत सुंदर इंग्लिश भी महाराज इंग्लिश भी पूरा बुझी होची प्रभु जी हरे कृष्ण टेलिंग दैट महाराज इंग्लिश क्लियरली अंडरस्टैंडेबल ओके जदि जदि समस्त आपण माने बुझी पारले तने उच्च स्वर रे जोर रे कोन तो हरि बोल त हम बुझ पारु आपण बुझी पछंती हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल ठीक अच्छे तो आज संध्या वाला रो भागवतम क्लास एट हे गला महाराज इंद्रचंद्र मान शरण कले तो आमे अमर ओडिया भक्ति वृक्ष मंडली तरफ रु थैंक यू सो मच महाराज फॉर सावरिंग मी योर इनसाइटफुल वर्ड्स तो सभी भक्तजन की ओर से और ओडिया भक्ति वृक्ष मंडल की ओर से और सनातन धाम के जो माता जी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए सभी की ओर से महाराज की चरण में हम कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं We are very